बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद, तमाम सऊदी अरब से दोस्तों और प्यारे भैया, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं सफदर पाने से पहले मैं क्या काम करता था और कैसे मेरे हालात थे जब मेरे सफदर पाने से पहले और आज कैसे हैं। मैं सारा कुछ आज आपको बताऊंगा सिरे से, जब मैं आज से 12 साल पहले सऊदी अरब आया था। तो मैं आज आपके साथ मुकम्मल जो बातें हैं ना वो शेयर करूँगा, किस तरीके मतलब मैं कहाँ मज़दूरी करने के लिए जाता था और मैंने कब से मतलब मज़दूरी करने स्टार्ट की हुई है। मैं तकरीबन 14 से 15 साल का था जब मैं मज़दूरी करने लगा था। तो मेरा गांव एक शहर दूर से है, शहर से दूर है मेरा गांव वैसे। तो मैं वहां पर पहले जब छोटा होता था बस पर जाता था और मैं सबसे पहले 500 रुपया एक महीने में कमाता था, 500 रुपया एक महीने में कमाता था। बुध वाले दिन मैंने स्कूल गया, जुमेरात को मैं स्कूल नहीं गया। उसके बाद मैं एक किराने की दुकान पर ऊपर जनरल स्टोर के ऊपर मैं काम करने लगा, शहर गुजरांवाला पेपर कॉलोनी। तो वहाँ पर मैं काम करता रहा, कुछ महीने मैंने वहाँ पर काम किया अच्छे एक नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ। तो मेरी अच्छी तारीफ़ हुई, अच्छी रिस्पेक्ट करते थे, वो भी गांव से ही रहने वाले थे लेकिन वो शहर पेपर कॉलोनी चले गए थे। ठीक है जी, मैंने कुछ महीने वहाँ पर काम किया था लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पास कोई हुनर तो है नहीं, ये कोई हुनर नहीं है, मज़दूरी क्या है, कब तक मजदूरी ऐसे करता रहूँगा, ये किसी की शॉप के ऊपर इस पर सैलरी भी अच्छी नहीं मिलेगी। फिर आखिरकार मेरे साथ वाले गांव से एक आदमी था, वो मुझे शहर लेकर गया स्टील के बर्तनों के काम के अंदर। स्टील के बर्तन बनाने के लिए मैं शहर गुजरांवाला गया, तो वहाँ पर मैं काम करने के लिए चला गया। तो कुछ ही दिन हुए थे तो लेकिन ठेकेदार वो जो कारखाने का मालिक था वो कोई अच्छी मतलब बातें नहीं बोलता था। ठीक है, जाएगा मगरों ले जाएगा, जान छुट जाएगी, अब हो रहा आ जाएगा कोई। लेकिन मैंने उस वक्त क्या डिसाइड किया कि मैंने ये काम सीख के छोड़ना है, जिस तरह की आज मेरी ये कदर कर रहा है कल मेरी ये खुद कदर करेगा, खुद मुझे फ़ोन करेगा। आज तो मुझे बोलता है ना कि आया नहीं आया, ठीक है कल खाली वाली। लेकिन आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त भी मैं ले आया, मैं मुकम्मल कारीगर हो गया। फिर वो भी कारखानेदार मुझे फ़ोन करके बोलने कि आज काम पर क्यों नहीं आया, काम पर आओ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये बातें मैं सुनना चाहता था, ये बातें मैं सुनना चाहता था, वो खुद ही उसने बोली फिर मुझे। फिर उसके बाद साथ साथ था, जब मैं कारीगर हो गया फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। 2005 में मेरी शादी हो गई, उसके साथ साथ मैं चिचरा वाली पुल के साथ ही कारखाना था वहाँ पर काम करता था। वो रेट कम देता था कारखानेदार मालक स्टील के बर्तनों का, वो ठेके पर काम करता था मैं, तो मैंने वो काम छोड़ दिया। फिर मैंने शहर के अंदर ख्याली दरवाजे के पास मैंने हाजी मानुल्ला की मंडी है वहाँ पर मैंने काम ढूंढा, वहाँ पर मैं काम ढूंढने के लिए चला गया, मुझे काम मिल गया। कारीगर था मैं, परात भी स्टील की जो पराते हैं वो भी पॉलिश करता था और छोटे छोटे बर्तन जो प्लेटें वगैरह हैं कौलियाँ हैं वो ऐसी मैं काफ़ी चीज़ें मैं पॉलिश कर लेता था, कारीगर था अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। चलो पेंडू से लोग थे लेकिन अच्छा कुछ थोड़ा दिमाग लगाते थे और मुझे काम समझ में आ जाता था। ठीक है, उसके बाद अच्छे खासे पैसे कमाना लगा लेकिन इतने नहीं कि मैं एक अपने हालात बदल सकूं, एक अपने जिस तरीके महंगाई हो रही थी इतने हालात के साथ अपने लड़ सकता नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था। फिर मैंने थोड़े को पैसे जमा किए अपने गांव के अंदर, जो औरतें कमेटियाँ डालती हैं ना खवातीन, वहाँ पर मैं कमेटियाँ डालनी स्टार्ट कर दी। तो मैंने कुछ पैसे जमा करके फिर मैंने सोचा कि मैंने बाहर जाना है, मैं नहीं पाकिस्तान में नहीं रहूँगा, मैं बाहर जाऊँगा। तो इतने पैसे नहीं थे कि मेरे पास कि मैं सऊदी अरब का वीज़ा ख़रीद सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। फिर मैंने घर वालों के साथ बात की, घर वालों ने बोला नहीं नहीं तू नहीं जा कर बाहर काम करेगा। बस के घर वालों को मेरे ऊपर यकीन नहीं था कि मैं बाहर जाकर काम करूँगा या नहीं करूँगा, लेकिन मैं खुद दिल से था कि मैं मेहनत करूँगा। यहाँ पर उतना मुझे सिरा नहीं मिल रहा जितनी मैं मेहनत करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, तो रात इशा के टाइम तक मैं घर पहुँचता था। फिर सुबह मुझे 5 बजे 6 बजे घर से निकलना होता था मज़दूरी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो 35 से 40 हज़ार रुपये मैं कमा लेता था लेकिन मैं इससे ज़्यादा कमाना चाहता था, मज़दूरी तो मैं करता ही था लेकिन मैं इससे ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों ने थोड़ा मेरे पर ऊपर यकीन किया, ट्रस्ट किया कि ठीक है चलो, बहनों ने भी बोला कि चलो जी इसके ऊपर पैसे लगाओ, इसको बाहर भेजें। फिर हमने वीज़ा लिया है सऊदी अरब का, वीज़ा लेने के बाद हम सऊदी अरब आज से 12 साल पहले आए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने 9 से 10 महीनों के अंदर अंदर मैंने वीज़े के पैसे मुकम्मल किए। सबसे बड़ी बोझ मैं यही चाहता था कि मैं जो मुझे घर वाले जो ताना मारेंगे ना कि तुमने तो वीज़े के पैसे नहीं पूरे करने हैं, तो मैंने सोचा मैंने पूरे करूँगा हर सूरत। 9 से 10 महीने के अंदर अंदर मैंने वीज़े के पैसे पूरे किए।
सबसे पहले मैंने वो सोचा है कि घर वालों को पैसे देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम बहुत प्यारा है तमाम शहर में, तो मैंने वीज़े के पैसे पूरे किए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं जमा करूँगा पैसे, जमा करता रहा। 5 साल तो मैं कुछ जमा ही नहीं कर पाया, अपनी ज़रूरियात पूरी करता रहा, बहनों की शादियाँ की। उसके बाद मैंने सोचा क्या बनेगा यार, मेरे को प्रदेश में रहने का क्या मतलब हासिल होगा, कुछ जमा कुंजी तो मेरे पास है नहीं, आज नहीं तो कल मैं चला जाऊँगा तो मेरे पास क्या होगा। तो फिर मैंने जमा करना स्टार्ट कर दिए थोड़े पैसे। 1 साल के अंदर फिर मैंने एक गांव से एक कस्बे की तरफ जगह ले ली, 10 मरले जगह ले ली। वहाँ पर फिर मैंने कई साल, 4-5 साल वो मैंने जगह पड़ी रहने दी फारगी। उसके बाद मजदूरी में करता रहा सऊदी अरबिया के अंदर, अच्छी खासी मजदूरी, यानी कि छुट्टी वाला तो कोई नामो निशान है ही नहीं था कि मैं छुट्टी करूँगा। मैं छुट्टी वाले को बारे में सोचता ही नहीं था, अगर जुम्मे वाले दिन को बोलता ना काम पर जाना है तो मैं बोला आमीन, मैं जाऊँगा जुम्मे वाले दिन भी काम पर जाऊँगा। तो मैंने खूब दिल लगाकर काफ़ी साल मेहनत की, अपना शौक़ को नहीं देखा, कपड़े पहनने का, जूते पहनने का, अपने मतलब खूब खाना पीना ऐसा कुछ नहीं देखा, सिर्फ मेहनत के बारे में देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ बनाया। तो फिर उसके साथ साथ आज मुझे 12 साल हो चुके हैं यहाँ सऊदी अरबिया के अंदर काम करते हुए, मजदूरी करते हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलो घर भी 2 बना लिए हैं, बच्चे अब चलो छोटे हैं, लेकिन साथ साथ अब सोच रहे हैं कि हम अब पाकिस्तान जाएंगे। काफ़ी अर्सा हो चुका है मुझे यहाँ पर, तो अब सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह अब पाकिस्तान भी जाएंगे। तो जिस तरह के मैं जो आज सोच रहा हूँ कि जहाँ मैंने जगह ली है, सारा दिन हमारे जो गांव की बस आती थी ना, मैं सारा दिन वहाँ पर बैठा रहता था, हमारे गांव की बस ही नहीं आती थी। अगर निकल गई 2 मिनट पहले तो फिर हमें सारा दिन वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता था बस के लिए, क्योंकि हमारा गांव जो है ना वो थोड़ा दूर था, शहर से कस्बे से हट कर था, तो वहाँ पर टाइम वाली बसें चलती थी जिस पर हमें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता था। मुमकिन है कि सारा सारा दिन हमारा ऐसे ही गुजर जाता था। तो फिर आखिरकार उसी जगह पर मुझे एक रिश्तेदार मेरे ने, अपने करीबी ने मुझे वहाँ पर जगह लेकर दी, और मैंने वहाँ पर जो है ना जगह ले ली। फिर वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह घर बनाया मैंने, वहाँ पर मैंने घर बनाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैंने 2 घर बना लिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। तो अल्लाह का मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। अगर यही चीज़ें मैं अगर पाकिस्तान में सोचता कि मैं बना लेता, नहीं मैं नहीं बना सकता था, कभी भी नहीं बना सकता था, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं थी मुझे, इतनी आमदन नहीं थी मुझे कि मैं वहाँ पर अपना पाकिस्तान के अंदर ऐसा घर बनाता। लेकिन मैं अपने वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है कि अपने पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी भाइयों को बताने का ये मेरा मकसद है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो दूसरी कंट्री के अंदर निकलो मजदूरी करने के लिए। देखो मैं भी पाकिस्तान के अंदर मजदूरी करता था, मुझे वहाँ से कुछ इतना हासिल नहीं हुआ जितना मुझे यहाँ पर आकर सुबह से लेकर शाम तक जो मजदूरी करता हूँ वो हासिल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मजदूरी सुबह से लेकर शाम तक वहाँ भी कर रही है, वहाँ यहाँ भी कर रही है, लेकिन एक बार वीज़े के पैसे लगा कर, पैसे एक बार तंगी तकलीफ़ उठा के तो वीज़ा लिया है, उसके बाद यहाँ पर आकर मजदूरी करने स्टार्ट की, तो एक ऊपर चलता जा रहा, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें पाकिस्तान में मजदूरी मिलती थी ना, मैं तकरीबन यहाँ 3 दिन के अंदर अंदर वो पैसे पूरे कर लेता हूँ। जो मुझे पाकिस्तान में जितनी मजदूरी मिलती थी, यहाँ मैं सऊदी अरबिया के अंदर रहते हुए 3 दिन वही काम करूँ ना तो मैं इतनी मजदूरी पूरी कर लेता हूँ, जो पूरा महीना मुझे आने जाने का चक्कर, तेल पेट्रोल बाग दौड़ दौड़ सब कुछ वो सहने के बावजूद फिर भी मेरे 3 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरबिया के अंदर मजदूरी करूँ, मेरे पैसे वो पूरे हो जाते हैं। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। और साथ साथ उमरा भी कर लिए हैं बहुत सारे, अल्हम्दुलिल्लाह 18 से 19 तकरीबन इतने मैंने अल्लाह का शुक्र है उमरे भी कर रखे हैं, और साथ साथ हज भी कर लिया है, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। और साथ साथ अपने घर वालों को भी उमरे करवा दिए हैं, ये तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं कभी ऐसा सोच नहीं सकता कि मैं ये सब कर पाता, ये अल्लाह के मेरे ऊपर बड़ी ख़ास करम नवा दी है। मैं अपने भाइयों को ये एक पॉजिटिव वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कि आप भी सऊदी अरबिया के अंदर आएँ। यकीन जाने मैं नहीं कहता कि दुनिया का कोई मुल्क इस मुल्क के बराबर होगा, सऊदी अरबिया के मुल्क के बराबर कोई, यूरोप मैं नहीं कहता अमेरिका कोई इसके बराबर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर मज़दूर को मजदूरी बहुत ज़्यादा मिलती है, मज़दूर को ख़ासकर जो हुनर स्किल रखने वाला बंदा है वो बहुत पैसे कमाता है, इतने जो कि यूरोप या किसी दूसरी कंट्री में नहीं बंदा कमाता। तो उस वक्त तो मैं जब पाकिस्तान से सऊदी अरब आया, मेरे हालात ही इतने अच्छे नहीं थे, जब पाकिस्तान में था तो मेरे इतने अच्छे हालात नहीं थे, हालात अच्छे ना होने की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया, कोई वजह नहीं बताई, कुछ भी नहीं ऐसा बोला, मैं एकदम यानी बुध वाले दिन स्कूल पर गया था, जुमेरात वाले दिन मैंने डिसाइड कर लिया मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने
काम करने के लिए जाना है, क्योंकि इतने मेरे पास पता नहीं मुझे हफ्ते में कितने पैसे मिलते थे, कुछ 10-20 रुपये मिलते थे इस तरह करके, लेकिन मैं गुजारा करता था। मैं कभी ऐसा शोर वगैरह नहीं डाला कि मुझे पैसे चाहिए चाहिए, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था। मेरे को समझ लगता था कि मेरे माँ बाप ने बहुत मुश्किल हालात में हमें पाला है, तो मुझे सोचना चाहिए। और मैं गर्व से बड़ा था इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अल्लाह पाक का शुक्र है, वो वक्त मैं आज भी कभी नहीं भूलता ना भूलूंगा ही। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो अपने भाइयों के लिए। अगर कोई मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि हम सऊदी अरब के अंदर रहते हुए आपके साथ एक बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो शेयर करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।